चुनाव प्रचार को तेज करते हुए बादली विधानसभा से जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी संजय कबलाना ने आज हलके के अनेकों गांव का दौरा किया। आपको बता दें कि कबलाना जिस गांव में भी गए उनका जोरदार स्वागत हुआ। चुनाव प्रचार करते हुए संजय कबलाना डावला गांव में पहुंचे। डावला गांव में पहुंचने पर ग्रामीणों द्वारा कबलाना का जोरदार स्वागत किया गया और गांव ने कबलाना के समर्थन किया, आश्वासन दिया कि पूरा गांव संजय कबलाना को भारी मतों से विजयी बनाएगा। अपने भाषण के दौरान संजय कबलाना ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि भाजपा और कांग्रेस ने इस प्रदेश को लूटने का काम किया है और प्रदेश का भाईचारा खराब किया है। बादली विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक और कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने बादली विधानसभा में कोई विकास कार्य नहीं किया और न ही बादली विधानसभा के युवाओं को रोजगार मिला है और शिक्षा स्वास्थ्य भी बादली विधानसभा क्षेत्र में सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। मंत्री जी दावे करते हैं बादली विधानसभा में उन्होंने बहुत काम किया है, परंतु ये सरासर गलत है। अब चुनाव में जनता अपनी वोट की ताकत से उन्हें जवाब देगी कि बादली विधानसभा में कितने विकास कार्य हुए हैं। संजय कबलाना ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी 15 सीट पर ही सिमट कर रह जाएगी। जननायक जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनेगी और प्रदेश के मुखिया दुष्यंत चौटाला होंगे। आम जनता से जननायक जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालने की अपील की। आप खुद देख रहे हो जिस तरीके से जोश और खरोश के साथ इस पार्टी क्षेत्र की बहादुर जनता मेरे आशीर्वाद दे रही है, अपना प्यार दे रही है और ये फैसला करने जा रही है 21 तारीख को। इस बादली क्षेत्र की बहादुर जनता इस फैसला का फैसला करने जा रही है। ये जनता प्रसन्ना है, जनता पार्टी का साथी के निशान का इस जनता ने मन बना लिया है और चंडीगढ़ में विधानसभा भेजने का काम जो जननायक जनता पार्टी का प्रत्याशी इनका बेटा और भाई है उसको चंडीगढ़ भेजने का काम करेंगे 21 तारीख को वोट डाल। मंत्री जी तो अपनी जमानती बचा लेंगे ना, सभी बढ़िया बात अगर जमानती बचा लेंगे तो विकास का ढंग से अभी बताया था, सारी बातें बताई थी, आप लोग यही खड़े थे। विकास किस बात का? आज पीने का पानी नहीं, आज पीने का पानी नहीं गांव गांव में, आज पानी की निकासी नहीं, युवाओं को रोजगार नहीं, महिला सुरक्षित नहीं, किसान परेशान है, आज कमेरा मजदूर आज बुरा हाल है, लाइट आती नहीं, किस बात का विकास कहते हैं? विकास किया तो अपने रिश्तेदारों का रखा, सबसे पहले जहां पानी की समस्या है पीने की जिस गांव में भी सबसे पहले उसका समाधान करें। अगर हमारी सरकार बनी और लोगों का आशीर्वाद मिला, जनता का आशीर्वाद मिला तो सबसे पहले जिस गांव में पीने की समस्या है पानी सबसे पहले उस समस्या का समाधान। दूसरी समस्या आदमी दूसरे चुटाला युवा के रोजगार की, दूसरी समस्या की लड़ाई होगी युवा के रोजगार की, अगर तीसरी समस्या होगी तो किसान की 36 कमेरे मजदूर की लड़ाई होगी। ये तो आज 12 मीटर लगा दिए, आज जो 12 मीटर लगा दिए किस तरह से लोग परेशान हैं, लाइट देते नहीं, डला 50,000 रुपये कहाँ से क्या करेंगे, आज किसानों को कनेक्शन नहीं दे रहे। कोई विकास मूल नहीं है, इनकी 15 सीट से, मैं अपने पत्रकार साथी को बता दूं, इनकी 15 सीट से जननायक जनता पार्टी सरकार बनाए।